कहानी शुरू होती है 19 जुलाई सन 2019 से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि लिंकन और सारा नाम के कपल समुंदर में एक बोट पे छुट्टियां मनाने जा रहे होते हैं, और तभी कोई लिंकन को पानी में खींच लेता है। दरअसल ये एक सपना होता है और लिंकन को ऐसे सपने आते रहते हैं, और जब वो उठकर बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। दरअसल ये एक लैब है जहाँ पर मेल और फीमेल हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं। बाहर की दुनिया में वायरस फैल चुका है और इसीलिए ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इनके आइलैंड पे ये सब कुछ नहीं है और इनका आइलैंड सुरक्षित है, और इसीलिए हर महीने यहाँ पर लॉटरी सिस्टम से यहाँ पर रहने वाले कोई भी एक आदमी को एक महीने के लिए बाहर रहने को दिया जाता है। अब लॉटरी सिस्टम में एक आदमी का नाम आता है जिसके बाद उसे बाहर रहने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक लेडी प्रेग्नेंट भी होती है जिसे भी बाहर आइलैंड पर रहने के लिए भेज दिया जाता है। और अब इस पूरे लैब का हेड जिसका नाम मैरिस होता है, लिंकन उसके पास जाता है और अपने सपने के बारे में बताता है। मैरिस कहता है कि जो तुमने सपने में बोट देखी थी, क्या उसे तुम ड्रॉ कर सकते हो? लिंकन वही बोट ड्रॉ कर देता है जो उसने सपने में देखी थी, और अब डॉक्टर मैरिस थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो लिंकन के आँखों में माइक्रो रोबोटिक्स बग्स को डाल देते हैं जिसे उसके दिमाग को मॉनिटर किया जा सके। लिंकन को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो उस एरिया में जाता है जो जगह रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ उसकी मुलाकात इस जगह के टेक्नीशियन से होती है जो लिंकन को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। लिंकन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पतंगा उड़ रहा होता है। लिंकन उसे देखता है और सोचता है कि बाहर की दुनिया तो रहने लायक नहीं है, तो फिर ये कैसे जिंदा है? वो उस पतंगे को एक टेक्नीशियन की बॉक्स में बंद कर देता है। लिंकन अब वापस उसी एरिया में आ जाता है जहाँ पर लक के सारे लोग मौजूद होते हैं, और एक बार फिर से लकी ड्रॉ सिस्टम से एक इंसान का नाम बाहर निकाला जाता है। उसका नाम जॉर्डन होता है। जॉर्डन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब बाहर रहने का मौका मिलेगा जहाँ पर वो खुले हवा में सांसें ले सकती है। लेकिन लिंकन उससे खुश नहीं होता है क्योंकि वो जॉर्डन से अलग नहीं होना चाहता, वो जॉर्डन से प्यार करता है। उसी शाम को एक बार फिर से लिंकन वही एरिया में जाता है जहाँ पर किसी का भी आना मना है। लिंकन उस पतंगे को छोड़ता है जिसको उसने पकड़ा था। यह पतंगा उड़ता उड़ता आगे जाता है और लिंकन उसे पीछे पीछे चला जाता है, और लिंकन बाद में मेडिकल रूम में पहुंच जाता है। लिंकन यहाँ पर अपने कपड़े बदलकर मेडिकल स्टाफ के कपड़े पहन लेता है। लिंकन यहाँ पर उस लेडी को भी देखता है जो कि प्रेग्नेंट थी और जिसे बाहर रहने के लिए भेजा गया था, वो अभी भी यही है। वो एक बच्चे को जन्म देती है, फिर उसे पैदा होते ही मार दिया जाता है, जिसके बाद उसी लेडी की हमशक्ल आती है जिसे उस लेडी का बच्चा दे दिया जाता है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। लिंकन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इधर क्या हो रहा है। उसके बाद वो आगे जाता है जहाँ पर एक आदमी का ऑपरेशन चल रहा होता है, और ये वही आदमी था जिसका नाम सबसे पहले लकी ड्रॉ में निकला था और जिसे आइलैंड के बाहर रहने के लिए भेजा गया था। उस आदमी के सारे ऑर्गन्स निकल लिए जाते हैं। लिंकन ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी भागकर लैब में आकर जॉर्डन से मिलता है। उसे पता है कि जॉर्डन को भी यहाँ से भेजा जा रहा है और फिर उसके ऊपर भी वही सारे एक्सपेरिमेंट होंगे। वो जॉर्डन को लेकर भाग जाता है। सिक्योरिटी उनका पीछा तो करती है, लेकिन जॉर्डन को लेकर ये एक रूम में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों को लेटा कर उनके दिमाग में जबरदस्ती ये भरा जाता है कि बाहर की दुनिया अब रहने लायक नहीं है और सिर्फ एक आइलैंड ही बचा है दुनिया में जो रहने लायक है। लिंकन और जॉर्डन भागते भागते एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो ब्रिज को पार करते हैं अचानक ही वो आइलैंड गायब हो जाता है जो इनको सालों से देखा करता था। तभी इन्हें एक स्क्रीन दिखती है जिस पर लिखा होता है होलोग्राफिक पावर ग्रिड। ये समझ जाते हैं कि लैब के बाहर कोई भी आइलैंड नहीं था, जो भी इसे देखा करता था वो सब सिर्फ एक होलोग्राफिक पिक्चर्स थी। ये दोनों के दोनों उस लैब से, उस सिक्योरिटी से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर ये दोनों लोग आराम से सांसें ले रहे होते हैं, इनको कुछ भी परेशानी नहीं हो रही होती। वही लैब के अंदर डॉक्टर मैरिक
सबको बताते हैं कि लिंकन को और जॉर्डन को वायरस हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। और उसके बाद वो एक हिटमैन को बुलाते हैं जिसका नाम होता है एल्बर्ट, ताकि वो लिंकन को और जॉर्डन को मार सके। दरअसल डॉक्टर मैरिक्स इस लैब में बाहर रहने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पैसे वाले इंसानों के क्लोन बनाते हैं, ताकि जब उन सेलिब्रिटीज के कोई भी बॉडी के पार्ट खराब हो जाए तो इस क्लोन के पार्ट्स निकल कर उनमें लगा सके। या कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो उसके क्लोन से प्रेगनेंसी करवा कर उसका बच्चा उसे दे दिया जाए, और फिर उस क्लोन को ख़त्म भी कर दिया जाता है। और किसी भी इंसान का क्लोन बनाने के लिए उसके रियल इंसान की बॉडी का ही डीएनए लिया जाता है। पहले इन क्लोन्स में फीलिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन फीलिंग ना होने के कारण इनके शरीर के सारे ऑर्गन धीरे धीरे ख़त्म हो जाते थे, और इसीलिए डॉक्टर ने फैसला किया कि इन क्लोन्स में फीलिंग भी डालनी चाहिए। और क्लोन्स के दिमाग में ये भी डाला कि बाहर की दुनिया में वायरस फैल चुका है और पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, और एक आइलैंड ही है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है और जहाँ पर जान का कोई भी खतरा नहीं है। यही सुनकर क्लोन्स के दिमाग ठीक से काम करने लगे और उन्हें उस आइलैंड पर रहने की इच्छा होने लगी। इन सब का मतलब ये है कि ये सारे के सारे किसी न किसी इंसान के क्लोन्स हैं, और लिंकन एंड जॉर्डन भी किसी न किसी इंसान के क्लोन्स होंगे, पर इन दोनों को इस सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं होता। आगे हमें दिखाया जाता है कि लिंकन और जॉर्डन भागते हुए टेक्नीशियन के घर पर पहुँच जाते हैं, जिसे वो पहले से ही जानते थे। टेक्नीशियन इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पहले लोग हैं जो लैब के अंदर से बाहर आए हैं, और अब टेक्नीशियन उनको असली सच्चाई बता देता है कि वो दोनों इंसान नहीं बल्कि किसी और इंसान के क्लोन्स हैं। वो बताता है कि जॉर्डन का जो रूप है वो असली दुनिया में सेलिब्रिटी है, जिसे कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, और इसीलिए अब वो कोमा में है और उसे कई सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत है। वही लिंकन असली दुनिया में एक बोट डिज़ाइनर है, जिसका कुछ वक्त पहले एक लंग फेल हो गया था, जिसकी वजह से लिंकन का क्लोन बनाया गया था। आगे टेक्नीशियन बताता है कि मिस्टर मैट्रिक, जिसकी एक लैब है, उसका बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा एक ऑर्गन सप्लाई का कारोबार है। अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये सारे ऑर्गन्स वो डॉक्टर कहाँ से लाता है। लिंकन आगे कहता है कि मैं मेरे असली रूप से मिलना चाहूँगा और उसे बताऊँगा कि किस तरह उसके एक ऑर्गन के लिए मुझे बनाया गया है, और जब उसे उसका ऑर्गन मिल जाएगा तो मुझे मार दिया जाएगा। टेक्नीशियन इनको कुछ कपड़े देता है और थोड़े पैसे भी, और बताता है कि कैसे ये दोनों लोग अपने असली रूप से मिल सकते हैं। अब ये दोनों ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एल्बर्ट आ चुका है, जिसे इन दोनों को मारने के लिए भेजा गया था। इसे पता चल जाता है कि दोनों के दोनों टेक्नीशियन के घर जाते हैं, और इसीलिए वो वहाँ जाकर टेक्नीशियन को मार देता है। और आगे उन दोनों का पीछा करते करते एल्बर्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन किसी तरह ये दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। जल्द ही ये दोनों वही सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन दोनों के हमशक्ल रहते हैं, लेकिन एल्बर्ट इन दोनों का पीछा करते करते यहाँ तक भी पहुँच जाता है। ये दोनों अपनी जान बचा कर उस जगह जाते हैं जहाँ पर लिंकन का हमशक्ल रहता है, उसका नाम टॉम लिंकन होता है। और जब टॉम अपने क्लोन को देखता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है। लिंकन उसे बताता है कि तुम्हारे एक ऑर्गन के वजह से मुझे जन्म दिया गया है, और जैसे ही तुम्हें अपना ऑर्गन मिल जाएगा मुझे मार दिया जाएगा। टॉम कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो नाटक कर रहा होता है। वो छुपके से डॉक्टर मैरिक्स को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारा एक क्लोन यहाँ पर भाग के आ चुका है। वही डॉक्टर मैरिक्स को दिखाया जाता है जो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि लिंकन को वो बोट वाला सपना कैसे आया। वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि असली दुनिया में टॉम, जो कि एक बोट डिज़ाइनर है, उसी के वजह से लिंकन को यह सपना आया। टॉम के डीएनए से ही लिंकन को बनाया गया था, और इसीलिए डीएनए के साथ साथ टॉम की सारी यादें भी लिंकन के साथ आ गई होंगी। और अब तक टॉम ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अनुभव किया है और फील किया है, वो सब कुछ लिंकन भी फील कर पाता होगा। डॉक्टर मैट्रिक्स ये भी सोचते हैं कि अगर ये सब कुछ दूसरे क्लोन्स के साथ भी हुआ तो ये सारे क्लोन्स बगावत पर उतर आएंगे और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस लैब में इंसानों के क्लोन्स बनाए जाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके उन्हें मार दिया जाता है। और अगर ये बात सरकार को भी पता चल गई तो डॉक्टर मैरिक्स को पूरी की पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। और इसीलिए डॉक्टर मैट्रिक्स ये ऑर्डर देते हैं कि सारे के सारे क्लोन्स को मार दिया जाए।
आगे हमें अल्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि टॉम के घर तक पहुंच चुका है, जहां पर लिंकन भी है। पर लिंकन को पता चल जाता है, जिसके बाद टॉम और लिंकन के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। और इसी हाथापाई के दौरान लिंकन अपने लैब की आईडी टॉम के हाथ पे लगा देता है, और जैसे ही यहाँ पर अल्बर्ट आता है वो टॉम को लिंकन समझकर मार देता है, और इस तरह टॉम का खात्मा हो जाता है और उसका जो क्लोन है लिंकन वो अभी तक जिंदा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अल्बर्ट, जो कि लिंकन को टॉम समझ रहा होता है, वो टॉम की बॉडी यहाँ से ले जाता है। हालांकि उसे अभी भी जॉर्डन की तलाश होती है। और अब यहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं, और फिर लिंकन पर डॉक्टर मैट्रिक्स का वीडियो कॉल आता है और वो इन्हें कहते हैं कि हमें तुम्हारा डीएनए फिर से चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ खराबी आ चुकी है और इसीलिए हमें सब के सब क्लोन्स फिर से बनाने पड़ेंगे। लिंकन समझ जाता है कि डॉक्टर मैट्रिक्स उन सारे के सारे क्लोन्स को मार देना चाहता है, जिनमें लिंकन के कुछ दोस्त भी होते हैं। इसीलिए वो जॉर्डन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और खुद टॉम बनकर लैब के अंदर आ जाता है। जॉर्डन भी उसके साथ आई होती है और जानबूझकर अल्बर्ट के हाथों गिरफ्तार हो जाती है, क्योंकि ये लिंकन का ही प्लान का हिस्सा था। अल्बर्ट इसके बाद जॉर्डन को अपने साथ ले जाता है। अल्बर्ट को ये भी पता होता है कि अभी जॉर्डन को मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके दूसरे रूप यानी कि सेलिब्रिटी सारा जॉर्डन को उसके ऑर्गन्स की ज़रूरत है, जो कि कोमा में है। लेकिन फिर वो ये भी जानता है कि इस ऑर्गन का उस पर कोई भी असर नहीं होगा और वो कभी ज़िंदा नहीं हो पाएगी, इसीलिए अल्बर्ट जॉर्डन की मदद करता है और साथ ही उसके साथ देने का फैसला भी करता है। आगे डॉक्टर मैरिक्स को दिखाया जाता है, जिसके सामने टॉम लिंकन की बॉडी पड़ी होती है, जिसे वो क्लोन समझता था, और अब वो ये सब देखकर जान चुका होता है कि ये क्लोन नहीं है बल्कि असली टॉम की बॉडी है, और वो जो उनका क्लोन है जिसका नाम लिंकन है वो अब भी लैब में है। और अब आगे लिंकन वही होलोग्राफिक मशीन के पास पहुँच जाता है, जिसे लैब के सारे क्लोन्स को ऐसा ही लगता है कि लैब के बाहर एक आइलैंड है। अब लिंकन इस मशीन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर मैरिक्स आ जाते हैं। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में जीत लिंकन की होती है। वो डॉक्टर मैरिक्स को मार देता है, पर इस मशीन को डिस्ट्रॉय करते करते उसका बड़ा रोटेटर होता है वो गिर जाता है, जिससे पूरी की पूरी यह जगह टूटने लगती है। चार ओर भगदड़ मच जाती है, और अभी सभी क्लोन्स को समझ आ चुका है कि बाहर कोई भी आइलैंड नहीं है, क्योंकि मशीन बंद हो चुकी है। सब के सब क्लोन्स बाहर की ओर भागने लगते हैं, और कुछ ही देर में ये सारे क्लोन्स बाहर की दुनिया में आ जाते हैं। सबको सच्चाई का पता चल चुका है कि अब वो क्लोन्स है, और उसके बाद उनकी नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। अल्बर्ट भी यहाँ बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने आज बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद समंदर के बीच में एक बोट पे जॉर्डन और लिंकन एक बड़े सफर पर निकले हैं। यह वही पल होता है जिसे लिंकन ने मूवी की शुरुआत में अपने सपने में देखा था, और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार।